साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों, इस लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज मुझे लाइव क्यों आना पड़ा, मैंने ट्वीट के माध्यम से आप सबको बता दिया था। साथियों, जो आज रेडियोग्राफ पर भर्ती का परिणाम जारी हुआ है, उसको लेकर कई लोगों को इतने कॉल, इतने मैसेज आए और कई ऐसे मैसेज थे मुझे डायरेक्ट कह रहे हैं, ऑटो भेज रहे कि हम सुसाइड कर लेंगे। दोस्तों, इसका नाम प्रयोगशाला शाही भर्ती 2018, जिसमें दो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, पीपी किट पहन के जो सैंपल लेने के काम कर रहे थे 1534, उनमें भी राजेंद्र नाम का लड़का है, वो भी फोन करके कह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। अब ये क्या चीज है। उसके बाद मैं राजेंद्र के साथ जयपुर आया। आज मैं जयपुर आया हूँ कोरोना में, क्योंकि पहले मैं बीच में बीमार हो गया था और मैं थोड़ा सा कोरोना से इसलिए दूर। कई लोग सोचते हैं कि पिछली बार भी मैं कोरोना में, जैसे कमरा किराया माफी अभियान में, कई अभियानों में लगा हुआ था, लेकिन मुझे डॉक्टर की सलाह भी थी, क्योंकि दोस्तों मैंने 7 से 8 बार जीवन में आमरण अनशन किया है और मेरा शरीर डैमेज है। यदि कोरोना के चपेटे में आ गया, लंबा चल गया, तो सिलेट जाऊँगा। हालांकि मैं मरने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं, मेरा हर पल हर दम मेरे बेरोजगार के लिए न्योछावर है। जब इन लोगों की पीड़ा देखी तो मैंने कहा चल भाई, उठ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैं जयपुर आज पहुँचा। सुबह राज्य मंत्री जो राजेंद्र यादव जी से मुलाकात की, वो कमेटी के सदस्य थे। सुभाष गर्ग साहब मिले नहीं, क्योंकि अभी उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव आई नहीं। और करीब 1 घंटे हम चिकित्सा मंत्री घर के बाहर खड़े थे, बोले मीटिंग है वीसी में, वो मिले नहीं। हालांकि हमारे सामने मंत्री राजेंद्र यादव जी ने चिकित्सा राज्य मंत्री जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं भी मिल नहीं रहा, मैं भी पॉजिटिव हूँ। और जो प्रयोगशाला साई का जो राजेंद्र मेरे साथ था, उनके सामने उन्होंने ये कहा कि बोले मेरे पास फाइल आई थी, मैंने अप्रूवल दे के भेज दी है और वो चिकित्सा मंत्री जी के वहाँ फाइल दिया। और फिर चिकित्सा मंत्री जी के वहाँ गए तो उनके पीए रोहित कुमार जी जो है उनसे मिले, मुलाकात की। रोहित कुमार जी ने कहा कि आप महेंद्र जी से मिली स्वास्थ्य भवन में जाकर, और वो आपको पूरी चीज़ें बता पाएंगे। उसके बाद महेंद्र जी से हम मिलने वहाँ गए और वहाँ से पता चला कि मामला प्रोसेस में है। तो साथियों, राजेंद्र यादव जी ने भी कहा कि मैं रघु शर्मा जी से बात करूँगा और इस प्रयोगशाला शाही भर्ती को जल्द से जल्द पूरी कराने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, मैं, हालांकि कई लोग हर भर्ती के हर बेरोजगार परेशान है, दुखी है, मैं समझता हूँ। और कई बार मेरा भी दिल एक तरह से भर जाता है जो लोगों के मैसेज देखता हूँ। मैंने अभी एक तस्वीर देखी, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के अभ्यर्थी ने एक तस्वीर रोते हुए जी वेटिंग वाला। अभी कई लोगों के अलग अलग मैसेज आते हैं, सुसाइड का मैसेज, की धमकी, कब किसकी, क्योंकि उनकी मजबूरी है, वो अवसाद में परेशान है, दुखी है। मैं कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की आवाज़ उठाने की और कोशिश करता हूँ उसको न्याय मिले। हालांकि ऐसी स्थिति में मैं घर से निकला तो घर वालों ने कहा कि नहीं, कोरोना है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा, कि काफ़ी लोग, क्योंकि 1534 जो प्रयोगशाला साइक के जो कोरोना वीर है, वो सैंपल ले रहे हैं, दो लोग इस दुनिया में नहीं रहे और वो लोगों को बचाने के काम कर रहे हैं। यदि मैं इनके काम आता हूँ, मेरे कोरोना इस दुनिया में नहीं रह पाता हूं, तो मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैं 1534 परिवारों का भला कर पाऊंगा। मैं घर से निकला है परिणाम, क्योंकि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG भर्तियों का, जो 3 भर्तियों के परिणाम को लेकर जो चर्चा चल रही थी, मेरे लगातार अधिकारी से फोन से बात हो रही थी, संपर्क में था। इसके लिए आने की आवश्यकता नहीं थी कि मैं मिलूं, फोटो डालूं या डालूं, नहीं, मेरी लगातार बात हो रही थी। लेकिन मुझे प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए उनके साथ आना पड़ा, उस व्यक्ति को समझाने के लिए कि अवसाद में नहीं जाना, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ मुझे ले जाओगे मैं जाऊँगा। अब साथियों, रेडियोग्राफर का जो परिणाम जारी हुआ, काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लगातार इस परिणाम के लिए हम कोशिश कर रहे थे। चेयरमैन साहब से बात हुई। मैं एक चीज़ और बता दूं, अखिल अरोड़ा जी ने लेटर भेजा था, कई लोगों को पता नहीं, मैं और बता दूं, क्योंकि उन्होंने लेटर लिखा था और जो अधीनस्थ बोर्ड पूरा खुला नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड में रेडियोग्राफर भर्ती से संबंधित कर्मचारी आ रहे थे, वो भी लगातार पिछले 3 दिन से, 3-4 लोग इसमें लगे हुए थे। और क्योंकि जो लेटर आया था, जो CMO से जो निर्देश मिले थे, अखिल अरोड़ा जी की तरफ से लेटर आया था, उसमें तीनों भर्तियों के लिए था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, चिकित्सा विभाग और में कर्मचारियों की आवश्यकता है। साथियों, मैं
मैं लगातार इन दिनों में चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर ज़्यादा जोर भी डाल रहा हूँ, ज़्यादा पीछे पड़ा हूँ और ज़्यादा मैं कमेंट भी कर रहा हूँ, क्योंकि चिकित्सा विभाग के उन लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी तो प्रदेश की जनता बचेगी, आप बचोगे, मैं बचूंगा, कहने की कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लग पाएगी, क्योंकि ये लोग मान लीजिए रेडियोग्राफर है, इनकी भी योगदान होता है, ECG का भी योगदान होता है, प्रयोगशाला साई का भी योगदान होता है, तो ऐसे में इनकी आवाज़ उठाना सही समय है, उनका साथ देना सही समय है। और भर्तियां तो मान लीजिए सामान्य स्थिति होते हैं उनके लिए जो लड़ते रहेंगे वो भर्तियां होती भी रहेंगी। अब जो प्रयोगशाला साई का जो परिणाम जारी हुआ है, परिणाम जो जारी हुआ है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि इसमें घपला हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि परिणाम में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का ज्यादा नंबर आया है, बहुत सवाल उठ रहे हैं। इस परिणाम को लेकर मैं तह तक गया हूँ, काफ़ी लोगों से बात की है, चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई है, क्योंकि मेरे पास मैं जयपुर आने कई लोगों को पता चल गया था मैं जयपुर आया हूँ, तो कुछ अभ्यर्थियों के फ़ोन आए, शायद वो 5-6 अभ्यर्थी थे, वो कह रहे थे कि हमारे नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से और हमारा नंबर नहीं आया, हम कहाँ जाएं। मैंने कहा भाई मैं कोरोना में नहीं मिलूंगा, वो रोने लग गए, शायद वो लाइव देख भी रहे होंगे, वो रोने लग गए कि हम आपसे मिलकर ही जाएंगे कुछ हो जाए। मैंने कहा ठीक है मैं कार्यालय आता हूँ, कार्यालय आई मैं, वहाँ से कार्यालय आया, उन लोगों से मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चेयरमैन साहब को, क्योंकि उन्हीं के सामने मैंने चेयरमैन साहब से बात की और चेयरमैन साहब ने उनकी समस्या का निस्तारण किया। चेयरमैन साहब ने कहा कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, जिनके नंबर ज़्यादा है और उन लोगों का कट ऑफ में नंबर नहीं आ रहा है तो वो परियोजना दे सकते हैं। और मैंने साथ में वो बात भी रखी मेरे साहब 18-11 वाला पता ना कौन सा, क्योंकि जो चीज़ें आप बता रहे हो उस हिसाब से आप रिजल्ट किस हिसाब से निकाला है। तो चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई तो चेयरमैन साहब ने कहा कि जो 30-7-2020 तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था, चाहे रजिस्ट्रेशन उनका बाद में हो, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था उस आधार पर हमने परिणाम निकाला है। और लेब टेक्नीशियन का निकाला था 30-7 तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन उसका भी परिणाम दोबारा से आएगा, यानी कि इसी रेडियोग्राफी के परिणाम के आधार पर आएगा, अगले वीक तक उसका परिणाम जारी होगा, जो लगातार उसके मैसेज भी मेरे पास आ रहे थे लेब टेक्नीशियन की एक और सूची के लिए, तो उनका परिणाम अगले वीक में जारी होगा। 30-7 तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था उसको आधार मानते हुए। साथियों अब सवाल उठ रहा है, कई लोग कह रहे हैं 30-7 तक जिन्होंने आवेदन कर दिया था, अप्लाई कर दिया था, उसको आधार मानते हुए लेब टेक्नीशियन का भी आएगा। अब साथियों कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उन्होंने कैसे कर दिया, ये कर दिया, कई चीजों का सवाल उठ रहा है। और कई लोग पूछ रहे थे परिणाम किस आधार पर है, तो परिणाम जिन लोगों ने आवेदन कर दिया था शायद इसका जिक्र विज्ञप्ति में भी था। मैंने पूछा कि इसका जिक्र विज्ञप्ति में लिखा हुआ था कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिया, जिन्होंने अप्लाई कर दिया उन लोगों को लिया जाएगा, तो विज्ञप्ति को मानते जो अप्लाई कर दिया उसको मानते हुए इनको लिया गया है। लेकिन साथियों एक चीज और मैं बता दूं, अभी इनकी ज्वाइनिंग 25 तारीख के बाद होगी, क्योंकि 25 तारीख की सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण होगी। 25 तारीख को न्यायालय क्या मानता है, 30-7 तक अप्लाई करने वालों को लागू करता है, या वो 30-7 तक जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको अलाउ करता है, अब ये न्यायालय पर ही डिपेंड है। यदि न्यायालय इसमें चेंज करता है, न्यायालय कहता है कि रजिस्ट्रेशन तक ही है, तो भैया परिणाम दोबारा रिवाइज होगा, और न्यायालय कहता है कि नहीं तो ये स्थिति है, वो स्थिति रहेगी। अब ये सब निर्णय अब जो गेन है अब न्यायालय के पाले में गया, अभी न्यायालय ही इस पर निर्णय करेगा फाइनल, ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन जिनके अभ्यर्थी जो याचिका लगाए उनके एडवोकेट उसमें जरूर पेरू करेंगे। अब वहाँ कौन मजबूती से पेरू कर पाता है, किसका एडवोकेट में दम होगा। अब ये 25 तारीख को, क्योंकि लगातार एक चीज़ बता दूँ, लगातार तारीख पे तारीख मिले, लोगों को विश्वास टूट गया कब फैसला होगा। लेकिन साथियों न्यायालय के ऊपर न मैं हूँ न कोई भी है, माने मुख्यमंत्री जी भी नहीं न्यायालय के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जब ये मामला चला तो वो भी न्यायालय में गए थे, MLA का जो मामला चला। हाँ ये जरूर है कि राज्य सरकार प्रार्थना पत्र लगा सकती है सुनवाई के लिए, जो हमारे निवेदन पे लगाया 18, 20, 21 अब 25 तारीख को जो आपकी सुनवाई है मंगलवार को,
तो दोस्तों मुझे यह है कि यदि ये मामला लंबा माननीय न्यायाधीश आपको फैसला नहीं करना होता तो जुलाई तक, क्योंकि अभी तक जो सुनवाई हो रही है सीधा जुलाई में डेट आ रही है सीधी, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद न्यायालय की छुट्टियां जाएंगी। जल्दी बार बार तारीख से यही स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने भी कहा कि कोरोना को देखते हुए जो कोरोना संक्रमण फैल रहा कि हमें आवश्यकता है, तो उन्होंने प्रार्थना पत्र लगाया था आवश्यकता उसको देखते हुए न्यायालय ने इसको अर्जेंट केस में रखा है। ऐसे में मान लीजिए 25 को सुनवाई पूरी नहीं होती, 26 को जाएगी, लगातार कंटिन्यू भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि 25 तारीख को इसका फाइनल हो सकता है, संभावना पूरी है। 25 तारीख को ही तय होगा कि किसकी योग्यता क्या होगी। रजिस्ट्रेशन जिनका 23-7 तक हो चुका है वो अलाउ होंगे, या 30-7 तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन बाद में कभी वो होंगे वो इसमें न्यायालय करेगा। साथियों मुझे पता है जिन लोगों का चयन किया, बड़ी मेहनत किया, बड़े उन्हें माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप की भी बड़ी आशा होती है कि मेरा बेटा बेटी लगेगी, कई लोग दुखी परेशान, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन उनसे मैं यही कहना चाहूँगा जिस प्रकार आपके मैसेज मुझे मिले कि मैं एक नहीं मुझे 5-6 मैसेज मिले, इसके बाद मैंने सोचा मैं लाई आऊँ आपको समझाऊँ। जिंदगी बड़ी अनमोल है, एक आत्महत्या करने से समस्या का हल नहीं होता है, मजबूत बनी आगे बढ़िए। जहां मेरी आवश्यकता है मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन दोस्तों ये जो मामला है न्यायालय में पहले भी था, अब डिवीजन एकल पीठ से डिवीजन बेंच में, क्या डिवीजन बेंच का निर्णय होगा वो फाइनल होगा। 25 तारीख का ज्यादा समय नहीं है, 25 को पता लग जाएगा, लेकिन अब 25 को न्यायालय निर्णय देगा, यदि चेंज हो जाता तो रिवाइज होगा रिजल्ट, 25 के ऊपर निर्भर है। लेकिन हाल फिलहाल मैंने खुद ने बात की, विज्ञप्ति में जो लिखा हो उसको मानते हुए उन्होंने जिन्होंने 30-7 तक अप्लाई कर दिया है उनको लिया गया है, और उसी को आधार मानकर लैब टेक्नीशियन का भी परिणाम उसकी सूची एक और आ रही है, और वो अगले वीक तक उसकी जारी हो जाएगी लैब टेक्नीशियन की, और उसके बाद ECG की जारी होगी। दोस्तों तीनों भर्तियों के लिए बोर्ड खुला है। कई लोग कह रहे थे कि बोर्ड खुला नहीं, बेवकूफ बना ले, वीडियो बना ले, आपके सामने चीज बताओ, आप बताओ कर्मचारी बोर्ड खुला तभी तो कर्मचारी आए, गोपनीय चीज कोई गार्ड हो और ये आपको चपरासी नहीं बताएगा कि अंदर क्या चल रहा, वो गोपनीय चीज होती है। लेकिन बोर्ड खुला तभी तो 3-4 कर्मचारी आए और 3 दिन से लगातार परिणाम जारी तैयार करके जारी किया, परिणाम अधीनस्थ बोर्ड ही तैयार करता है। तो साथियों मैं आपका दर्द समझता हूं, प्लीज ऐसा कोई कदम ना उठाए और ऐसा सोचे भी नहीं, अपनी इच्छा शक्ति अपने पे विश्वास है, एक नहीं 10 बार हम मंजिल पाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, विश्वास रखें अपने भाग्य में। पता नहीं आज आपका दिन बुरा है कल अच्छा हो जाए, पता नहीं कोर्ट पता नहीं कौन सा फैसला कर दे आपके हित में कर दे, न्यायालय पे विश्वास करें, जो होगा न्यायालय अच्छा करेगा। मैं तो एक पक्ष बोल भी नहीं सकता कि ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि मुझे तो पता है मैं एक पक्ष लूंगा तो दूसरा गाली देगा, एक लोग ही बुरा मुझे बना देंगे, अरे ऐसे मेरे हाथ में भी नहीं है, ये न्यायालय के हाथ में, न्यायालय ही इसका फाइनल करेगा। ये तो रेडियोग्राफर की भर्ती का मामला था, रेप टेक्नीशियन मैंने बता दिया, ECG का बता दिया, प्रयोगशाला सहायक का भी मैंने बता दिया। साथियों नर्सिंग भर्ती 2013 की जो बहनें उनके मैसेज मिल रहे हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ, कई लोग इसको माइनस पॉइंट बढ़ा के कहते हैं कि उपेन यादव ने नर्सिंग भर्ती 2013 क्यों नहीं करवाई। साथियों इन बहनों का दर्द मैं आज भी जानता हूँ, इनकी जब मुझे आज भी यदि मुझे कोई ये कहे ना कि इनकी नियुक्ति दे रहे हैं आपकी जान दे दो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये कहते हिंदुस्तान छोड़ दो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। साथियों उनके लिए लड़ा झगड़ा सब कुछ, जहाँ तक हुआ इनसे एक पैसा नहीं लिया, इनको कहा कि इनका खर्चा चाहिए तो मैं दूंगा, और जब जब आवश्यकता पड़ी मेरी जेब से खर्चा किया, इनसे एक पैसा नहीं लिया, ये जानते थे। ये न्यायालय में जाने की बात आई क्योंकि मंत्री जी से इनके बात हुई थी, बोले न्यायालय में जाना पड़ेगा, इनके साथियों को बताया क्योंकि एकल पीठ में ये हारे हुए डिवीजन बेंच में जाना ही पड़ेगा, मंत्री जी ने इनको रास्ता दिखाया था, मैंने कहा कि भैया 11,000 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ उनकी तरफ से, मेरे तरफ से इनका भला। साथियों कोई चीज़ कानूनी पेचीदगी नहीं है तो मैं लड़ झगड़ के इनको आज तक जो नहीं दिला, लेकिन मुझे भी जब मेरी वार्ता हुई जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहाँ नोट शीट में क्या लिखा हुआ था, और ये हाईकोर्ट से हारे हुए थे, कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बाद में पता चला, जो चीज़ अचानक पता चलता व्यक्ति क्या कर पाएगा, नहीं तो सीना ठोक के भर्ती करवा देता। मेरी मजबूरी यह है कि एक तो न्यायालय में हरे, एक जो नोट शीट है नोट शीट में पद इनके नहीं है,
एनआर चमके थे जो वापस लौटाती है, ये कोर्ट में भी सरकार जीती है इस चीज को लेकर। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये इन लड़कियों को तो पता भी नहीं था, इनके चार पांच लोगों को पता था, जीएनएम वालों को, उन्होंने इनको बताया भी नहीं। लेकिन मैंने कहा कि ये कहाँ जाएंगी, आज ये परेशान है दुखी है, इनका रास्ता निकालो। मैंने अभी सुभाष गर्ग जी से बात की थी, मैंने कहा साहब प्लीज 25,000 आप ले रहे हो, उनको निकालो, उनको स्थायी कर दे, कम से कम उनको लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अरोड़ा जी से बात करूँगा, मैंने बात रखी थी, जो मैं लाइव करता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो आप हमेशा सेव रहता है, उसको आप किसी दिन की मैं चर्चा करूँ सुना के पता कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलता, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। क्योंकि आजकल ये जो टेक्निक है ना, ये चीज़ें कई लोग लंबी लंबी नेता फेंक देते, लेकिन आजकल युवा जागरूक को सेव कर लेता, दिखा देता कि सब क्या है, सच कभी छुपता नहीं। मैंने उस समय बात रखी थी, आज भी मैं उनसे चिकित्सा मंत्री जी से मिलने की कोशिश की, और गर्ग साहब से, गर्ग साहब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए उनकी बात आपकी बात नहीं हो पाई। जितनी कोशिश होगी मैं करूँगा, आप लोगों के लिए जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियाँ है उसमें जहाँ न्यायालय से जो चीज़ हो सके वो मैं बदल नहीं सकता, वो न्यायालय से चेंज होगी। जितनी मदद होगी मैं करूँगा आपके साथ ही, विजय पाल से मेरी बात लगातार हुई थी, कमला उनसे मेरी बात हो रही, मैंने हर चीज़ उनके सामने रखी है। लोग कुछ भी गए उनको सारी चीज़ वो संतुष्ट है मेरे से, उन्होंने कहा कि आपको जहाँ बुलाया मैं गया और आगे भी जाऊँगा। ये 2013 के लिए बात है साथियों, रीड 2016 SLP के मैसेज आते हैं, भैया कार्य विभाग बंद पड़ा है, संबंधित अधिकारी से मेरी बात हुई कार्य विभाग से, हालांकि कार्य विभाग से क्या हुआ और अगला क्या कदम हो मुझे पता, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन कार्य विभाग के जनरल सेक्रेटरी साहब से बात, उनको ऑक्सीजन में लगा रखा है, कार्य विभाग बंद पड़ा है। तो ऐसे में रीड 2016 SLP जैसे सचिवालय खुलेगा तो मैं खुद प्राथमिकता के साथ आपकी इस मांग को मैं उठाऊंगा और SLP वापस करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव थे और उसका परिणाम आपको मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए साइंस मेथ वाले देखो, ये अंग्रेजी की SLP ऑफिस, साइंस मेथ को भी राहत मिलेगी, मुझे सब ध्यान है। अब साथियों एक चीज़ और कह रहा था मैं, BSTC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में परिणाम में टाइम लगेगा, सेकेंड ईयर में मैं आपको बता दूं परिणाम, जब मेरी निदेशक महोदय जी से मेरी 4 बार बात हुई है, कभी आप जाओ तो जाके पूछना निदेशक मोदी जी के साथ BSTC परिणाम में पेइंग एवरेज बात हुई थी, उन्होंने कहा कि परिणाम इस वीक में आ जाएगा या अगले वीक में आ जाएगा, उन्होंने बताया जो मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है कि जो परिणाम को भी जांच करें तो कोरोना पॉजिटिव, दूसरे दो वो पॉजिटिव, एक से लेके दूसरे दिया वो पॉजिटिव, और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल में कई समस्या आ रही है, कह रहे थे कम से कम 1,000-1,200 लोगों का परिणाम ही रोकना पड़ेगा प्रैक्टिकल की वजह से, तो कई समस्या उन्होंने बताई थी। लेकिन मेरी कल उनसे वापस बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा है कि अब शायद अब शनिवार संडे, मेरे को लगता है कि उन्होंने कहा कि अब लास्ट स्टेज पे है और जल्द बोले कि अब मैं आपको देखूंगा, मैं उस दिन आएगा उस दिन ही बता दूंगा। तो दोस्तों जो आपका परिणाम आएगा मैं ट्वीट कर दूंगा और शायद सोमवार मंगलवार तक आ जाए, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे कहा था जो मैंने आपको बताया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन कोरोना है वो भी क्या झूठ बोलेंगे, कोरोना है, कोरोना में कर्मचारियों की जो लगातार पॉजिटिव आ रहे, जो पॉजिटिव उसे कॉपी लेके दूसरे दिए वो पॉजिटिव आ गया, तो इस समय स्थितियाँ सबकी बिगड़ रही है। इसलिए आप ये ना सोचें कि नहीं हमारा परिणाम कब आएगा, हालांकि फर्स्ट ईयर में टाइम लगेगा, सेकेंड ईयर में देरी का कारण यही था कि जो संबंधित जो कॉपी जांच करें वो कोरोना पॉजिटिव थे, काफ़ी लोग आ गए थे, इस वजह से देरी हुआ, और जो प्रायोगिक जो आपका जो है प्रैक्टिकल उसमें भी थोड़ी सी जो समस्या है वो भी मैंने आपको बताया, इस वजह से लेट हुआ, नहीं तो लेट नहीं होता। तो आप संयम रखो, आपका परिणाम अगले वीक में आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको ट्वीट करके, मैंने आपकी बात 4 बार रख दी है। सेकेंड ग्रेड 2016-18 के लिए मैं कोशिश, 18 के जैसे RPSC खुलेगी तुरंत उसके बाद वो सूची जारी हो जाएगी, उसके बाद मैं बीकानेर से भी आपकी प्रक्रिया शुरू करवा दूंगा। 2016 की बात रखूंगा सेकंड ग्रेड की। इसके अलावा जो पद बढ़ाने की मांग कर रहा है 18 स्कूल का कहता हूँ, वो भी जब खुलेगा कार्य भी किया जो भी सचिवालय, तो बात रखें अभी तो कोई औचित्य नहीं है। साथियों एक चीज़ और बता रहा था मैं, जो रीड 2018 के जो चयनित अभ्यर्थी है मामले रिसफल वेटिंग को लेकर न्यायालय में, उसका निर्णय तो न्यायालय को करना है। अब भी इसमें दो दो पक्ष बने थे, लेकिन न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई करे, जल्द से जल्द फैसला करे। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं और वास्तव में बहुत परेशान भी है, दुखी भी हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सुनवाई। मैंने बात रखी थी, आज बायोलॉजी स्कूल व्याख्या भर्ती 2018 की सुनवाई थी, नंबर आने से पहले, जैसे नंबर 2 नंबर है 3 पे है तो 3 को छोड़ के 4 को ले लिया, जैसा जो अर्जेंट मामले थे उनको नहीं लिया। ऐसे में क्या है कि इन दोनों अर्जेंट सुनवाई हो पा रही है। अब रेडियोग्राफर SI भर्ती 2016, ये पुलिस की भी आवश्यकता है, चिकित्सा विभाग की भर्ती की आवश्यकता है, ये अर्जेंट में हुई, आपके अर्जेंट नहीं स्कूल बंद है, फिर भी कोशिश की है
बात रखी है कि एक बार वो कोशिश करें, अर्जेंट सुनवाई तो कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन ये है कि आपकी इस मई में नहीं होती, फिर छुट्टी आ रही है। मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरी कोशिश करके जुलाई में आपका प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिल जाए, मैं आपको राहत दिला दूँ, क्योंकि आप लोग सब जगह बजट भटक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको भी पता लग गया, क्योंकि ये सूची जारी नहीं होती, लेकिन मेरे दम पर ईगो नहीं है, क्योंकि सबको पता है ये संघर्ष के दम पर ये सूची आई थी। इतिहास मैं भी इसमें फख्र करता हूँ कि हमारा हम अथाह मैं खुद अथाह हो चुका था, लेकिन संघर्ष लाजवाब थे, ये सूची आई। तो आपको सूची जारी करवाई तो आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, थोड़ा साथ रखे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मई में नहीं तो जुलाई में मैं इस मामले को आपको संभालने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा जल्द से जल्द 20 लाख रुपये का आपको ज्वाइनिंग दिलाने का। अब भाई दोस्तों एक रीट 2021, अब दोस्तों जैसे कि अब कोरोना का आप देख रहे हो कि धीरे धीरे कोरोना के जो आंकड़े कम होते जा रहे हैं, जैसे मैं लग रहा है कि कोरोना की स्थिति जून तक मेरे को लगता है सामान्य स्थिति हो जाएगी, जून महीने में एंड हो बीच हो दबे, जैसे स्थिति होती है तो जल्द से जल्द फोरम रीओपन और रीट के पदों की संख्या बढ़ाई जाए, रीओपन हो, कई लोग रीओपन होंगे जब उनको 10-15 दिन का टाइम देंगे, ठीक है ना, उसमें समय लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ जैसे सामान्य स्थिति और परीक्षा तिथि की घोषणा हो और पदों की संख्या 40 से 50 हज़ार की जाए, ये मांग भी प्रमुखता साथ रखेंगे। आप लोग तैयार हैं क्योंकि देर तो हो चुकी है, नुकसान आप सबको हुआ, अरे मोहन इंतजार कर रहा था, सोमन भी कर रहा है, इंतजार सबको करना पड़ा, तैयारी सब कर रहे, नुकसान सबको हुआ, लेकिन इस नुकसान का फायदा हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको साथ देना है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, अरे भाई 31,000 से 40,000 किसको फायदा होगा ना, जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो, तो इस अभियान आपको साथ देना है, इसके लिए मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, वही पटवारी भी पदों की संख्या बढ़ाई जाए और परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो, और एक ही एग्जाम हो, पटवारी वाले भी सुन लो, मैं एक एग्जाम के लिए पूरा प्रयास करूंगा पदों की संख्या बढ़ाई, और ग्राम विकास अधिकारी की आरएस भर्ती 2021, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्या, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकेंड ग्रेड की भी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, फाइवमैन की भी, INJN की भी हो, और जो टेक्निकल हेल्पर का इंतजार कर रहे हैं उनकी विज्ञप्ति जारी हो, लेकिन ये सारी चीजें सामान्य स्थिति होने के बाद अपन पूरे जोर के साथ आपकी बात रखेंगे। वर्तमान में अभी हालात देखो मूर्खता होगी, वर्तमान में हालात जो है चिकित्सा के कर्मचारी को लेने की जो भर्तियां उनको और जो साथ में पुलिस महकमे की, अब राजस्थान पुलिस भर्ती 2016 के वास्तव में 18 के जो 16 बहुत दुखी है दोस्तों, मुझे आपको एक में 1,000 ट्वीट करूंगा, जितनी कोशिश करना मैं कर रहा हूं, लेकिन इस भर्ती को जो डील कर रहे थे उनके घर में टेस्ट, उनका भाई पहले भाभी जी एक्सपायर हुए, अब उनका बड़ा जो उनके भाई के साथ उनके भाभी जी एक्सपायर और भाई भी एक्सपायर हो गए, ये कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है यार, जिसके घर में कहर बरतता वही जानता दर्द क्या होता, लेकिन मैं आपका दर्द समझता हूं, मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। मोटर वाहन वाले भी कह रहे हैं भाई सचिवालय जैसे कार में आप खुलेगा मैं मोटर वाहन की अधिसूचना जारी करवा दूं जिससे आपकी विज्ञप्ति जारी हो, कंप्यूटर वाली कोई स्थिति है दोस्तों, और जो नई भर्तियां जो भी है ये देखो एक मिनट का ये देख लीजिए स्थिति है, मैं फोन नहीं उठा रहा, ये दोनों फोन दे, एक मिनट का एक फोन आता है, सबसे ज्यादा आज रेडियोग्राफर को लेकर फोन आता है, बहुत दुखी है, मैं दर समझ लाइव इसलिए आया कि मैं आपके सामने बात रख सकूं, आपका दर्द बांट सकूं, आपके सामने स्थिति स्पष्ट कर सकूं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जितना हो मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं कोरोना में घर से आप लोगों के लिए आया हूं। साथियों वार्ड बॉय भी लोग के जो बेचारे कई लोग मेरे वार्ड बॉय का फोन आया कि बोले कि हम कोरोना के मरीजों को और सबको ले जाते हैं देखभाल करते हैं, हमारे कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, 2013 में 1848 पदों पर कोरोना की वार्ड बॉय वैकेंसी आई थी, पद भी खाली है कि हम छोटे से कर्मचारी हमें कोई याद नहीं करता कोई साथ नहीं देता, तो देखो दोस्तों छोटा बड़ा कोई नहीं होता, कार्य बड़ा होता है, वो लोग आज सेवा कर रहे हैं सहयोग करते हैं, उनकी भर्ती पूरी होनी चाहिए, इसके लिए मैं ड्यूटी किया मैं मांग भी करता हूँ सरकार से। ये लाइव तमाम भर्तियों को लेकर नहीं था, लाइव आज मैंने सोचा जो लोग अवसाद में थे जो आत्महत्या करने की धमकी दे उन लोगों के लिए मैं लाइव आया था, लेकिन साथियों मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हालांकि जो चीज़ें मैं आज निकल के आई आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या होगी बेरोजगारी पूरे देश में, आज जो परिणाम आया उसमें काफ़ी लोगों का बाहरी राज्यों का बेटों का भी चयन हुआ है जिनके पास बाहर राज्यों की डिग्री है, आज कई लोगों का चयन नहीं हो, आज वो रो रहे हैं दर्द में है,
मैं पिछले 3 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को बाहरी राज्यों में 21 से 22 राज्यों में नहीं लिया जाता, बाहर राज्यों को अभ्यर्थियों को रोका जाए। अरे तुम 10,000, 20,000, 50,000, 1,000,000 आदमी सड़क पे आ जाते, क्या ये कानून नहीं बन जाता? क्या आप लोगों को राहत नहीं मिलती अन्य राज्यों में? अभी भी समय है, क्योंकि रोजगार, अब सरकारी नौकरियां बिल्कुल घटेंगी, आर्थिक हालात सबके बहुत खराब है, क्योंकि हालांकि राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में भर्तियां काफी आती हैं, निकलती भी है, लटकती है, लेकिन अन्य राज्य की तुलना में आती है, तो वो उन्हें ये भर्ती निकले बाहर वाले ले जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ सामान्य स्थिति हो तो बाहरी राज्य वाला मामला भी हम सबको मिलकर लड़ना है, जिस प्रकार रेडियोग्राफर में लोग रो रहे हैं, ऐसी स्थिति और भर्ती नहीं हो। आपको जागना होगा, उठना होगा और हमें सरकार के सामने मांग रखनी होगी कि हाँ बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए, और इनको नहीं रोका जाता तो हमें भी 21 से 22 राज्यों में लिया जाए। इसलिए प्लीज इस मुद्दे पे जागिए, साथ दीजिए, लड़ेंगे और जीतेंगे। और जो तमाम और जो अधीनस्थ बोर्ड है जो खुला है केवल इन 3 भर्तियों के लिए, और भर्तियों के लिए जेईन के लिए फोन आ रहे थे, एक और पता नहीं कौन सी 2-3 अन्वेषक, पता नहीं कौन कौन सी भर्ती के लिए, अभी कुछ नहीं है, अभी केवल इसके लिए 3 के आदेश थे इमरजेंसी में। और भी जैसे सामान्य स्थिति होगी, सचिवालय भी खुलेगा माध्यमिक, हालांकि सचिवालय खुला लेकिन कुछ डिपार्टमेंट उसमें नहीं खुल रहे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी खुलेगा, बीकानेर भी खुलेगा, सारी चीज आरपीसी खुलेगी, सारी चीजों के लिए अपन मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। पंचायत राज एलडीसी भर्ती है जो बजट का मामला है, कई लोग कह रहे हैं ट्वीट करो ट्वीट, अरे ट्वीट से कोई मतलब नहीं है, वो तो सामान्य स्थिति की तभी बात रखेंगे, 10,029 का मुझे पता है, पता है, लेकिन सामान्य स्थिति तब तो रखे। अब आपको पता है अभी तो बेड, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, किस किस की लड़ाई चल रही है, ऐसे स्थिति तो सामान्य, ये जो भर्तियां हो रही है, CHO भी है, 25,000 नर्सिंग कर्मी घोषणा भी है, जो लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ये चीजें क्या इनकी आवश्यकता है इमरजेंसी, इसलिए अपनी जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए अपनी जान बचाने की आवश्यकता, इसलिए ये भर्तियां हो रही है इमरजेंसी में, इसलिए इनकी मैं मांग कर रहा हूँ। अन्य तो और भर्तियां तो सामान्य स्थिति पे होने पर ही होंगी, कितने ट्वीट करो अभी वो चीजें नहीं होंगी, वो सामान्य स्थिति होने पर ही होंगी। एक चीज बता रहा था मैं, जो कमेंट लगातार मुझे ट्वीट, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्वीट करूंगा, मैं आपके साथ हूँ, पहले भी साथ था, आगे भी साथ रहूंगा, लेकिन स्थिति मेरे को लगता है जून में ऐसा नहीं साफ पूरा क्लियर हो गया, थोड़ी बहुत स्थिति इस पे काबू हो सकता है जिस पर आंकड़े आ रहे हैं। तो हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज जो लाइव आए हैं, जो लोग जुड़े हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि संयम रखें, जो लोग कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करें, ऐसा कदम मत उठाना। और कई इश्यू हैं, कई लोग भी बढ़ते, सबसे बड़ा सवाल एक चीज़ और मैं कह रहा था आप लोगों को, इसमें जो कई लोग कह रहे थे कि परिणाम जारी नहीं हुआ, जारी नहीं हुआ, जारी करो, मात्र कुछ दिनों में कई लोग, आप खुद मेरे फेसबुक पर, ट्विटर पर देखें, इस भर्ती को लेकर मैं मात्र कुछ दिनों में एक्टिव हुआ था, मीडिया का भी बड़ा रोल रहा, उन्होंने आवाज उठाई, धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया के बंधुओं को भी, बोर्ड भी खुला है, परिणाम भी तैयार हुआ और जारी भी हुआ है, आगे भी होगा। लेकिन जिनका मान लीजिए कह रहे हैं घपला हुआ हुआ है, परिणाम जारी नहीं हो, जारी कराओ, वो कह रहे हैं कि घपला हो गया, उपेन्द्र यादव नहीं बोल रहा, कोई भी चीज होती है बुरा उपेन को, अच्छा ही नहीं कि उन्होंने अच्छा किया, घर से निकल के आया, आवाज उठा रहा, सब लोग घर दुख के पड़े, कोई काम करवा रहा, अपनी आवाज उठा रहा है, रातों में सड़कों पर पड़ा रहता है, कभी मंडावा, कभी वहां चक्कर काटता है, सरकार पे दबाव बनाता है, कमेटी बनवाता, अपनी आवाज उठाता है, नहीं राजनीति कर रहा है, नहीं इसका तो बहुत लालच है, यह सवाल उठा सकते हैं। लेकिन उनको ये कहूंगा दिल पर हाथ रखे से उसी, चलो ठीक है, आज तक के जो 9 साल के संघर्ष में करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को ज्वाइनिंग दिलवाई और आज वो नौकरी कर रहा है, एक आदमी को तो नौकरी मिला के देखिए, एक धरना प्रदर्शन तो करके देखिए, एक बार मंत्रियों को तो बुला के देखिए, एक बार कमेटी तो बनाकर देखे, एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर तो देखिए, पता लग जाए। अरे मैं जानता हूं जब मैं सहाड़ा था मंदिर में 3 दिन सोता रहा, मैं जानता हूं जब मेरे पास जो हालत खराब थे तो मैं कैसे क्या किया, किससे उधार ले, मैं हर चीज जानता हूं, कैसे भली भांति मेरा ये संघर्ष आया है। लेकिन ये चीज जरूर है कि जो मैंने एक सपना देखा था साथियों,
मेरी जो भाग्यदय एक संस्था मैंने बनाई थी, वो संस्था उसको खड़े करने का मेरा विचार है। शायद जुलाई से मैं उसकी शुरुआत कर दूं, क्योंकि दोस्तों नौकरी आप लग गए, सुबह घर से जाओगे नौकरी पे, शाम को आओगे बीवी बच्चे के पास रहोगे, माँ बाप के पास रहोगे, फिर नौकरी जाओगे, खत्म दुनिया, अपने लिए दुनिया खत्म। भगत सिंह था पूरी दुनिया के लिए करके गया, देश के लिए, अलग अलग लोग कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं। मेरा भी लक्ष्य यही है कि हाँ मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं अनाथ, क्योंकि कई बार मेरे पास कॉल आते हैं कि भाई साहब हालत ख़राब है पढ़ने में, लेकिन घर पैसे नहीं, गरीब हूँ, पिताजी नहीं है, माँ नहीं है, भाई नहीं है। कई ऐसे लोग हैं कि आर्थिक हालातों की वजह से अपनी इच्छाओं का दमन कर देते हैं, बहुत दिल रोता वास्तव में, बहुत कॉल आते, कई मेरी बहनों के कॉल आए, कई विधवाओं के फोन आते हैं, बहुत। जब तब मैंने एक बार कसम खाई थी कि हाँ जो विधवा है, अनाथ है, पढ़ने में होशियार, आर्थिक स्थिति नहीं है, उनके लिए मैं कुछ करूँ, उनको रहना खाना पढ़ाई करवाना जब तक मोबाइल लेने, और उन जो जिनकी कुछ उनकी शादी करवाना, उनके लिए अच्छा काम करना। शायद मैं उसकी शुरुआत में आप मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, रणनीति बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से निकल कर इस फील्ड में जाने वाला हूँ कि अब मैं और लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। बेरोजगार मासन आज मैं हूं, कल दूसरा आएगा, दूसरा अध्यक्ष आ जाएगा, लेकिन इस फील्ड में भी मैं जाना चाहता हूँ। शायद मैं जुलाई से मैं इस काम के लिए, एक पुण्य काम के लिए, क्योंकि आज जिंदा है कल मर जाए, लेकिन जाने से पहले कुछ अच्छा काम करना ही चाहिए, ये मैं रणनीति बना रहा हूँ। और क्योंकि ये रणनीति सफल होगी, सबसे बड़ी संस्था भी बनेगी, कई परिवारों का भाग्य का उदय भी होगा। लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश रहेगी सामान्य स्थिति होते ही जो मामले जो पेंडिंग चल रहे हैं उनको निपटाने की प्राथमिकता के साथ आप लोगों को न्याय मिले, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो, पद भी बढ़े, एग्जाम भी हो सही समय पे, तमाम चीज़ों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे सामान्य स्थिति होते ही। अब मैं कुछ कमेंट देखने की कोशिश करूँगा, हालांकि मुझे पता है कि पिछले लाइव था वो चीज़ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी कोशिश कर लेता हूँ एक बार। कई लोगों के मैसेज हैं, आज मैं YouTube पे लाइव नहीं हूँ, Facebook पे हूँ ओनली लाइव, और बताया भी नहीं था अचानक मैं लाइव आया हूँ के बीच में। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती रजनीकांत जी, हाँ आयुर्वेद 400 पदार्थ पदों पे वास्तव होनी चाहिए, ये चीज़ों के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। 450 वाले आपने याद दिला दिया, मैं आपकी बात जरूर रखूंगा, 450 पदों पर आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती हो। पंचायत सहायक वाला भी वास्तव में 6000 रुपये का धर्म धर्म, मैं जानता हूँ, उन्होंने मुझे कहा था, ट्यूब भी कहा था। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की मैं कह रहा हूँ, जैसे कार्य में आपको लगे अधिसूचना जारी करवा कर आपकी व्यक्ति जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करूंगा। योगेश जी 1005 2013 नर्सिंग भर्ती 2013, ये चीज़ें अब ऐसी 25000 नर्सिंग कर्मियों को ले रहे, तो क्या ये 1005 2001 ये होंगी 2013 3000 लोगों को ले ले, तो बहुत अच्छा निर्णय सरकार को होता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज़ इनको लेकर इनको न्याय प्रदान करें। नेत्रसाई की भर्ती पे बोलिए भाई, नेत्रसाई की भर्ती के लिए भैया अभी फिलहाल तो जो कोरोना में जो सहायक हैं उन वो भर्तियाँ हो रही हैं। एसआई भर्ती 2016 की सुनवाई 25 तारीख को है और 511 पदों के लेकर चयनित अभ्यर्थी है, और मेरे हिसाब से 100% मेरा दिल भी कह रहा, मुझे लगता है कि 25 तारीख को भर्ती प्रक्रिया पे रोक हट जाएगी, निस्तारण हो जाएगा, चाहे नई अभ्यर्थियों को लिया जाता है, क्योंकि इसमें 50% पद बढ़ाने वाला जो मामला है, पद बढ़ाए जाते हैं तो अच्छी बात है और लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण हो सकता है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात भी है, संबंधित अभ्यर्थी मेरे से जुड़े हुए हैं और मैंने बात कर ली और 25 तारीख को राहत मिल सकती है, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले सुनवाई नहीं हो पा रही थी, प्रार्थना पत्र लगवा, इसके बाद सुनवाई हुई, सामने वाले एडवोकेट ने मेडिकल इमरजेंसी मानते हुए डेट ले लिया, 25 तारीख फिर मिली है, उसको अर्जेंट केस में रखा गया और 25 तारीख को उसका निस्तारण हो जाएगा, ये मेरा मानना है। अशोक जी प्रयोगशाला सही के लिए पूरी कोशिश करा, आपका राजेंद्र मेरे साथ था। संजय जी भैया मैं कह रहा हूं, प्रशांत जी
टीएसपी विस्तार का क्या हुआ भैया, मैंने आपके एक दो अभ्यर्थी मिले जैसे सामान्य स्थिति होगी, आपके प्रतिनिधिमंडल को मैं साथ ले जाके मिलवा के लाऊंगा, जब कमेटी की मीटिंग होगी तो आपको जरूर आपका मामला वाजिब है। टीएसपी में जो टीएसपी विस्तार का जो दो तीन भर्तियों का मामला वास्तव में मैं चाहता हूँ आप लोग साथ आए, मैं आपको बुला लूंगा और आपके साथ में जाऊंगा, आपके प्रतिनिधिमंडल को ले जाऊंगा और आपकी बात रखूंगा। फार्मासिस्ट वाली बात रखे, फायरमैन वाली देखो स्थिति सामान्य होगी तभी आप आएंगे। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 का मामला न्यायालय में है और न्यायालय से निकलते ही यदि न्यायालय से हरी झंडी मिल जाती है तो दोस्तों न्यायालय से भर्ती निकलते हरी झंडी मिलते ही मैं प्राथमिकता के साथ आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। लेकिन एक बार न्यायालय में है उसमें मैं कोई कमेंटमेंट नहीं कर सकता, न्यायालय से निर्णय होना जरूरी है। और हाल फिलहाल में क्योंकि आज फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी का नंबर आ गया था, बायोलॉजी विषय का, उसको ही नहीं सुनवाई हुई इस समय, जो कोरोना काल में जो जिसका उपयोग हो सके, जिसे जो भर्तियां हैं उन्हीं की अर्जेंट में सुनवाई हो पा रही है, तो इसलिए जब आपका निस्तारण हो जाएगा तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा। जयंतीलाल जी 18 के लिए मैं बोल चुका हूँ, धन्यवाद दिनेश जी। अरुण जी बिल्कुल, अरे यार आपने तो मेरी कोरोना की जांच की थी भाई, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैं आपको वैसे लाइक भी करता हूँ, अच्छे व्यक्ति, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। उसको राजेंद्र को समझाना सुसाइड की धमकी दे रहा था, उसको समझाना, आपका दोस्त है वो। राजस्थान में एक भर्ती के लिए कोर्ट बनना चाहिए, बिल्कुल भर्तियों की समस्याओं के लिए एक अलग से न्यायालय होना चाहिए जो भर्तियों की समस्याओं का सुने, जिसे बार बार तारीख नहीं मिले उसका हो। डीआर में स्कूल लेक्चर जब सचिवालय खुलेगा तब भी एक बार फिर कोशिश करेंगे, अब तो किसको कहें, अलग ही शिक्षा मंत्री जी को सोशल मीडिया से ट्विटर के माध्यम से आप भी याद दिला रहे हो, मैं भी याद दिला रहा हूँ, जो कातर में उन्होंने घोषणा की थी वो वादा पूरा करें, मैं भी याद दिला रहा हूँ। हाँ मंत्री जी आपने वादा किया है तो पूरा करना चाहिए, आपने बोला है पब्लिक के बीच में तो वो वादा पूरा करके ये पद बढ़ानी चाहिए स्कूल शिक्षा भर्ती की, आपको जरूर छोड़ना चाहिए, मैं भी आपसे मांग करता हूँ। फर्जी डिग्री एग्जामिनेशन वाला मामला भैया न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका, वहीं से फाइनल फैसला होगा सर। रामनिया जी मैं कोशिश कर रहा हूं। कृष्ण जी 2018 के लिए बोल चुका हूं मैं, अर्जेंट के लिए रवि जी पूरी कोशिश करें, आपको अच्छी तरह पता, लेकिन अर्जेंट में होगी तो मैं पूरी कोशिश करवा के लगाने की कोशिश करूंगा। घनश्याम जी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए मैं बोल दिया है जैसे सामान्य स्थिति होगी, क्योंकि अब न धरना कर सकते हैं न प्रदर्शन कर सकते हैं, मैं मानता हूं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकलनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री जी की आज जो आज उनकी पुण्यतिथि थी, तो उसके क्योंकि उनका सपना था, लेकिन फिर भी सपना आज अधूरा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मेरी मुलाकात होगी या सामान्य स्थिति में उनके अधिकारियों तक बात पूछूंगा, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आनी चाहिए, लगातार आपका साथ दिया, जीरो से लेकर आज तक जो कैडर नहीं बना तब भी मैं आपके साथ था, और भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी तब तक आपके साथ रहूंगा, और जैसे सामान्य स्थिति होती है तो आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। बीएसटीसी लिए मैं बोल चुका हूं, विशेष शिक्षक रीट में आएगा भैया, बोल चुके वो आप लोग, मिल चुके बोल चुके। हरिओम जी राजस्थान मांगे त्याग पत्र पदों की वेटिंग, ये मामला जब सामान्य स्थिति होगी तब मैं आपके प्रतिनिधिमंडल को मिला सकता हूँ, आपकी बात रखूंगा। ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी सामान्य स्थिति होगी तब आएगी, ईडब्ल्यूएस की वजह से अटक गई थी अब आ जाएगी, पदों की संख्या बढ़ाने की बात मांग करें हम ग्राम विकास अधिकारी। सुनील गोदारा जी धन्यवाद, बोलने दो गलत बोलने, क्यों मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मेरा काम अच्छा करना है, लोग बोल पूरा बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे लोग मान सम्मान करने वाले हैं, आप जैसे लोग प्यार देने वाले हैं, दो लोगों से फर्क नहीं पड़ता, जब लाखों लोग प्यार देते हैं मेरे लिए वो प्यार मेरी ताकत है, मेरा विश्वास है। गजेंद्र जी मैं पूरा साथ दूंगा, गजेंद्र ढाका जी का मैसेज आया पंचायत राज एलडीसी भर्ती का, लेकिन कभी कभी यही कहते हैं कि आप राजनीति करें, हमारी भर्ती की तरफ ध्यान नहीं देते, मैंने कभी भी किसी भर्ती को लेकर राजनीति नहीं की, मैंने कभी भी, क्योंकि जब वार्ता हुई तो मेरे साथ हर भर्ती का जब प्रतिनिधिमंडल है उनके सामने हुई, मैंने कभी झुका नहीं है, मैं मेरे बेरोजगार के लिए मरता हूँ मैं और लड़ता हूँ। रीट कब होगी, ये सामान्य स्थिति होने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन रीट
थोड़ी अब मुझे नहीं लगता कि जुलाई में भी हो पाएगी, उसके बाद ही हो पाएगी, लेकिन जून में जैसे स्थिति होगी तारीख जल्द से जल्द घोषित करवा देंगे, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। काको कुमानसी पैरामेडिकल वाले, हाँ भाई बिल्कुल, रीट के पद बढ़ेंगे, टेंशन मत करो, लड़ेंगे रीट के पदों के लिए। हेमंत जी, जयंतीलाल जी धन्यवाद, सेकंड ग्रेड 2000 के पिकअप टेस्ट भाई, कांतिलाल जी बोल चुका हूँ, धन्यवाद आसाराम जी, पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के लिए बोल चुका हूँ। स्टोनो का भी भैया सामान्य स्थिति होने के बाद ही हो पाएगा, भी नहीं हो पाएगा। सुनील जी धन्यवाद भाई, मेघवंशी जी हाँ, पशुधन सहायक भर्ती की मांग कर रहे हैं, पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, लेकिन ये सामान्य स्थिति होगी तभी जारी होगी पशुधन सहायक में। चलो काफी लंबा लाइव हो गया, लेकिन सभी से ये कहना चाहूंगा सामान्य स्थिति होगी, हम लड़ेंगे, पदों की संख्या बढ़े, पुरानी भर्ती पूरी हो, नई भर्ती भी आए, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सब लोग मेरे जो साथ जुड़े रहते हो, तब मान सम्मान देते हो, प्यार देते हो, मैं इसका आभारी रहूंगा और इतना जरूर कह सकता हूं, आपकी मांगों के लिए जब तक मैं इस संगठन में हूं अंतिम सांस तक लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जय जय भारत।